देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, तस्वीरें हम आपको कुजवानी से बता रहे हैं, जहां पर एनजीओ सफाई कर्मचारी जो है हड़ताल पर है। हड़ताल पे क्यों है, क्योंकि आपको ये जानकारी देना बहुत जरूरी है, और तमाम जितने भी एनजीओ सफाई कर्मचारी हैं उनको जो है सैलरी नहीं मिली। इस कोरोना काल में जहां पर अहम भूमिका सफाई कर्मचारी निभा रहे हैं, यानी कि जम्मू को स्वच्छ रखने में अहम योगदान जो है सफाई सैनिकों का है, सफाई कर्मचारियों का है, वहीं इन दिनों में अगर इन्हें सैलरी नहीं मिलेगी तो जनाब घर का खर्चा जो है वो कैसे चलेगा। इस संकट के समय में सफाई कर्मचारी जो है अहम भूमिका जो है निभा रहे हैं, और अब ये तस्वीरें देखकर शायद दुख होगा तमाम लोगों को, आखिर क्यों प्रशासन जो है नाकाम होते नजर आ रहा है। इस संकट के समय में अगर सफाई सैनिक अगर हड़ताल करेंगे और बढ़ेगी, देखिए तमाम सफाई कर्मचारी जो है एकत्रित हुए हैं और अपनी डिमांडों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस कोरोना काल में यहाँ पर हर एक साफ सफाई का कार्य जो सफाई सैनिक करते हैं, सफाई कर्मचारी करते हैं, और उनके बाद जब सैलरी नहीं मिली तो उनका कहना ये भी है कि हम जो है काम नहीं करेंगे, हम हड़ताल पर जाएंगे। जानकारी लेंगे, बातचीत करते हैं कुछ सफाई सैनिकों से, सफाई कर्मचारियों से। बड़े नहीं बड़े सर, क्या डिमांड है और आपकी, और किस लिए आप सारे इधर इकट्ठे हुए हैं? सैलरी जो हमारी 2 महीने की है वो हमें मिल नहीं रही, और कब से हमारी सैलरी 6,000 पर हमारा कोई गुजारा नहीं करता, किसी का बेटा कोई रेंट पे रह रहा, कोई ऐसे रह रहा, कोई भी मकान माने कोई जिन्होंने किराएदार है उन्होंने अपना किराया देना, 2-2 महीने हो गए, सभी बहुत परेशान है, ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, और हमारा कोई इस टाइम लीडर नहीं है, कोई प्रधान नहीं, हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें बड़ी हुई सैलरी दे, जो हमारी ड्यूटी की सैलरी है वो हमें मिलनी चाहिए, हमारी यही डिमांड है। और जो हमारा 600 बंदे का फॉर्म लगा हुआ 2018 से, आज 3 साल हो गए उन्हें भी, उनको भी कोई इन्होंने प्रूव नहीं दिया कि हमें परमानेंट किया जाए या डेली बेस पे किया जाए, ऐसे ही हमें धक्के दाड़ी लगा रहे हैं बस, और हमारी जल्द से जल्द ये डिमांडें हैं ये पूरी की जाए, तो हमारी डिमांडें पूरी नहीं होगी, ये हमारे प्रोटेस्ट ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो कितने महीने की सैलरी है? 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए। हेलो हेलो, माई नेम गुरशरण सिंह, आई लिव एंड गयाना जम्मू। वीर जी, मैं चंद शब्दों के नाल ताडे को विदा लवांगा, क्योंकि अज इस मंच के उत्ते असं इस करके कट्ठे हुए हैं कि साडियां सैलरियां सानू साडे हक नहीं मिल रहे, क्योंकि गौरमेंट हर जगह पर सानू दबा देंदी है और दबाया जाता है, क्योंकि अज मेरिया मावं इतने इस करके खड़िया क्योंकि इन्हों किचन का खर्चा जन के मुश्किल हो चुका है। ठीक है, तो जिन्हों कुर्सी दी जाती है, जिन्हों कुर्सी दी जाती है उन्हें किस लिए दी जाती है कि जनता की सेवा करने वास्ते। अज इन्हों की सेवा वास्ते कोई खड़ा नहीं इतने, क्योंकि सानू अपने हक आपे लड़ने पैंदे। जय हिंद, जय भारत, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम हीरा सिंह है। हमारी यही परेशानी है, 2 महीने हो गए इन लोगों को सैलरी मिली, हमने 14-15 वाड़े इकट्ठी की हुई है, हम यही मुद्दे पर बैठे हुए हैं, हमारी सैलरी हो जाए, और हमारी जो सैलरी ये बोल रहे हैं जूनटी के लिए, हमें 1.5 साल हो गया, वो पहले हमारा हुआ था आर्डर उसके लिए,
हम यही बोलते हैं हमें बड़ी सैलरी मिलनी चाहिए और हमारी जो 600 पोस्ट दबी हुई इन अफसरों ने नीचे वो लगनी चाहिए, तो फिर हम फिर ही उठेंगे, हम ऐसे काम नहीं करेंगे। हम बार बार हमारे लीडरों भाइयों को भी यही बोलते हैं कि लोगों को बेवकूफ मत बनाओ वीडियो पापा के, और जब तक हमारा कोई मसला हल नहीं हो जाता हम यहाँ पे नहीं उठेंगे, हम ऐसे ही काम बंद रखेंगे और कंटिन्यू ही काम ऐसे ही चलेगा। और कुजवानी इलाका जहाँ पर तमाम एनजीओ सफाई कर्मचारी जो है एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन करने का सिर्फ एक ही कारण कि इन्हें सैलरी जो है वो नहीं दी जा रही। यानी आप समझ सकते हैं इस कोरोना काल में लोगों जो लोग अपने अपने घरों पर बैठ रहे हैं और ये सफाई कर्मचारी जो है जम्मू को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, अहम योगदान कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें सैलरी नहीं मिलेगी तो जनाब कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। और अब ये कह रहे हैं कि जितने सफाई कर्मचारी अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हमारी हड़ताल यूं ही चलती रहेगी। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपसे फिर चालू हूँ। हम लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरा अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।